ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम करनाल के वार्ड नंबर 20 में चल रहा है। लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करनाल के रतनगढ़ गांव में सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। जनसंवाद के दौरान सीएम ने 9 सालों की उपलब्धियां भी बताई हैं। और गांव रतनगढ़ में सीएम ने स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी घोषणा की, बड़ी सौगात स्कूली बच्चों के लिए। अब से उनके लिए बस सेवा चलेगी, कल से ये बस सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी। और सीएम ने इस बात का ऐलान किया है, इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करेंगे, ये भी कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करनाल दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और जनसंवाद कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांवों में। वार्ड नंबर 20 में फिलहाल ये जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है करनाल के। सुबह सवेरे से ही मुख्यमंत्री के ये जनसंवाद कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। सेक्टर 13 और रतनगढ़ में मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम हो चुका है, अब सेक्टर 20 में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि तीसरा जनसंवाद कार्यक्रम है आज एक ही दिन में। और लोगों की समस्याओं को सुनकर के उनकी समस्याओं का समाधान भी मौके पर ही कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रतनगढ़ में ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया, स्कूली बच्चों के लिए स्पेशल बस चलाने की बात उन्होंने कही है। और जनसंवाद का यही मकसद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, के जाकर के जनता के बीच में उनकी समस्याओं को जाना जाए और जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो जायज समस्याएं हैं, उनका मौके पर ही निपटारा कर दिया जाता है। यहाँ कर्म करने से मतलब है, ऐसे ही नहीं गीता की धरती पर जन्म लिया हम सब लोगों ने, कर्मण निवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। समाज के अंदर जो कुछ गड़बड़े हैं उनको सेट करना, सिस्टम को बनाना 9 साल से लगे हैं। इस 9 साल में व्यवस्थाएं ठीक की है, पहचान की है कौन जरूरतमंद आदमी है, इसको सरकार की मदद की जरूरत है, ये पहचान की है। और आपने तो 2 दिन पहले पूरा दृश्य देखा है ना करनाल में, अंत्योदय महासम्मेलन जो किया उसमें लोगों को लाभ पहुंचाए, 1 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को लाभ पहुंचाए हम किसी भी रूप में, वो राशन से लेकर के और लाखों रुपए का इलाज एक एक व्यक्ति का, वो भी हुआ है। मुकुल सतीजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुकुल, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट, मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज सीएम मनोहर लाल के करनाल में 4 अलग अलग जगह पर जनसंवाद कार्यक्रम थे, 2 जनसंवाद कार्यक्रम हो चुके हैं, तीसरा जनसंवाद कार्यक्रम करनाल के उताना गांव बोर्ड बीच में चल रहा है। आपको बता दें कि वहां पर इससे पहले जो 2 अलग अलग कार्यक्रम हुए थे जनसंवाद कार्यक्रम, वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे थे अपनी अपनी समस्या लेकर, उनसे शिकायतें सुनी गई, उनकी समस्या का मौके पर निपटारा करने का प्रयास किया गया। वहां पर आपको बता दें कि एक अलग से हेल्प डेस्क बनाया गया है, तमाम संबंधित अधिकारी सीएम के साथ साथ चल रहे हैं, किसी को भी समस्या आती है उनको मौके पर ही निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। जी, और इसके बाद कहाँ पर जाएंगे मुख्यमंत्री? तो देखिए अभी उनका कार्यक्रम बोर्ड बीच में उताना गांव में चल रहा है, और इसके बाद एक आखिरी जनसभा कार्यक्रम है, 4th कार्यक्रम है करनाल के रामनगर में, वहाँ पर लोगों की समस्याएं भी सुनते हुए नजर आएंगे। जी, इसके अलावा रतनगढ़ में एक बड़ी सौगात भी दी है स्कूली बच्चों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, उस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी, कितनी बसें चलेंगी स्कूली बच्चों के लिए? बिल्कुल, देखिए अभी जो भी उनके साथ अधिकारी जो हमको आदेश दे गए हैं कि स्कूली बच्चों के लिए अलग से बस सेवाएं शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि देखा जाता है कुछ बच्चे दूर रास्ते भी आते हैं, कोई कहीं से आता है, तो ऐसे में समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, क्योंकि जनसंवाद का मकसद ही होता है कि वहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी समस्याओं को हल करना होता है, इसलिए ऐसे तमाम लोगों की समस्याएं हल करने का प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारी देने के लिए।